तो गाइज आज मैं आपको बताऊंगा गाइज जिसने न्यू अकाउंट बनाया इंस्टाग्राम पर एंड न्यू अकाउंट से रील्स को वायरल कैसे करें। आज मैं आपको कुछ वो टिप्स देने वाला हूँ, ठीक है, कि आज गाइज अब न्यू अकाउंट से भी इंस्टाग्राम को रील्स को कैसे वायरल कर सकते हैं। तो गाइज आज का वीडियो गाइज एंड तक देखिएगा एंड मैं आपको 3 से 4 टिप्स देने वाला हूँ, बहुत ही अच्छी अच्छी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड गाइज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइज वीडियो के बीच में गाइज मैं कुछ दो स्टेप बहुत ही हार्ड बताने वाला हूँ, हार्ड मतलब गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है आप सबके लिए। तो गाइज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, गाइज आज का वीडियो गाइज आपको फुल वॉच करना है, ठीक है। तो उन दो स्टेप्स देखने के लिए गाइस वीडियो का फुल वॉच कीजिए। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइस आज की जो फर्स्ट टिप्स है गाइस, फर्स्ट टिप क्या गाइस, जैसे कि जब आप लोग नया अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, नया अकाउंट बनाते हैं तो आप किसी भी टाइम पर रील पोस्ट कर देते हैं। तो गाइस ऐसे में क्या होता है गाइस, जब भी आप रील्स पोस्ट कर देते हैं अपने नए अकाउंट पर तो आपके अकाउंट पर आपकी ऑडियंस नहीं होती, कहने का मतलब आपके पास फॉलोअर्स नहीं होता है, तो गाइस आपका रील्स कौन देखेगा। अब आप बोलोगे अच्छा मैं रील्स बनाऊंगा तो इंस्टाग्राम मुझे प्रमोट करेगा, तो गाइस ऐसा नहीं होता है। अगर आपके रील्स को रीच नहीं पहुंचेगा, जब आपका ऑडियंस एक्टिव नहीं हो, मानते हैं कि इंस्टाग्राम रील्स देता है बट उस टाइम पर तो पोस्ट करो तब तो रील्स देगा, अगर आप दोपहर में पोस्ट कर रहे हो तो गाइस ऐसे रीच नहीं देता इंस्टाग्राम, ठीक है। तो गाइस मेरा कहने का मतलब गाइस, आप रील्स को जब आपका नया अकाउंट हो या ओल्ड अकाउंट हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप रील्स को ट्राई क्या कीजिए गाइस कि आप इवनिंग को पोस्ट करें, आई मीन 4 बजे के बाद, 8-9 बजे के पहले, ठीक है, शाम को। तो गाइस आप इस टाइम पे रील्स पोस्ट करें, आपका अकाउंट पे आपके रील पे ज़्यादा से ज़्यादा रीच आएगा, इंगेज आएगा, ठीक है, इंस्टाग्राम आपके रील्स को बूस्ट करेगा। तो गाइस ट्राई कीजिए कि अपने आप रील्स को इवनिंग के टाइम पर पोस्ट करें, 4 से 8 बजे के बीच में। एंड गाइस सेकंड टिप्स, जब भी आप न्यू अकाउंट बनाते हो अकाउंट आपका प्रोफेशनल नहीं होता, ठीक है गाइस, तो क्या करना है आपको, अपने न्यू अकाउंट को आपको प्रोफेशनल बनाना है। तो गाइस आपको अकाउंट को प्रोफेशनल कैसे बनाना है तो गाइस मैं बताता हूँ। गाइस देखिए साइट पर अकाउंट मैंने ओपन हो गया, ऊपर ठीक ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना है आपको। एंड गाइस जाना है आपको सेटिंग पर, सेटिंग जाने के बाद गाइस आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा अकाउंट का, अकाउंट पर क्लिक करना है गाइस एंड नीचे आना है गाइस, तो आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। तो गाइस आपको स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पर क्लिक कर देना है, जैसे क्लिक कर देंगे आपका अकाउंट मतलब मांगेगा कैटेगरी कैसा है, वो डाल दीजिएगा आर्टिस्ट मतलब कुछ भी जो हो आप, ठीक है, तो कर दीजिएगा आपका अकाउंट प्रोफेशनल बन जाएगा, ठीक है। ऐसे क्या होगा कि आपका अकाउंट ज़रा ज़रा बूस्ट होता है, पब्लिक में आता है, ठीक है। तो आपको सेकंड टिप आपको ये करना है। एंड गाइस थर्ड गाइज आपको ट्रेंडिंग सॉन्ग्स यूज़ करने, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स कैसे सर्च में आते हैं, कैसे पता होता है कि ट्रेंडिंग सॉन्ग्स ये, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ अपने चैनल पर, तो गाइज वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। एंड आपको ट्रेंडिंग सॉन्ग्स यूज़ करने, ट्रेंडिंग फिल्टर्स यूज़ करने, इससे क्या होगा गाइज कि आपको जब न्यू अकाउंट होता है गाइज आप बनाएंगे तो आपका वीडियो वायरल होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, ठीक है। तो आपको गाइज ट्रेंडिंग सॉन्ग्स प्लस ट्रेंडिंग फिल्टर्स भी यूज़ करने हैं। एंड गाइज नेक्स्ट स्टेप गाइज आपको क्या करना है गाइज, जो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बताने जा रहा हूँ टिप्स में, तो गाइज आपको क्या करना है गाइज, जैसे मतलब आप जब न्यू अकाउंट बनाते हैं अपने तो आपके अकाउंट पर ऑडियंस, मेरे कहने का मतलब आपके अकाउंट पर फॉलोअर्स नहीं होता है, ठीक है, ये कोई भी कैटेगरी हो, मैं कहता हूँ यूट्यूब पर हो, आप इंस्टाग्राम पर हो, तो गाइज क्या करना होता है, जैसे कि यूट्यूब पर जानते हो गाइज कि आपको अपना जब न्यू चैनल होता है तो गाइज आपको अपने वीडियोस खुद देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे इंस्टाग्राम पर होता है आपके पास मतलब 10 से 12 अकाउंट फेक होंगे इंस्टाग्राम पर, ठीक है, तो आपको 10 से 12 अकाउंट अपने इंस्टाग्राम पर फेक अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद गाइज जैसे अपने मेन अकाउंट पे आप रील पोस्ट करेंगे तो गाइज आपको अपने फेक आईडी से उन रील्स को, आपका जो मेन अकाउंट होगा उन रील्स, उस रील्स को मतलब फुल वॉच करना है प्लस में सेव करना है, ठीक है। उतना करने के बाद में गाइज आपको मतलब अपने सब अकाउंट से करना है ताकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप रील्स को इंगेज कर सको, रील्स दे सको, ठीक है, आपको ये करना है गाइज। इससे क्या होगा गाइज कि आपका स्टार्टिंग में क्या होता है गाइज, आपको जो 30 मिनट होता है स्टार्टिंग का रील्स पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आपको मतलब इन 30 मिनट में गाइज आपको अपने रील्स को इंगेज करना है, ठीक है। जैसे गाइस मैं दिखाता हूँ अपने, मैंने बनाया था अपना न्यू अकाउंट, ठीक है, ओल्ड अकाउंट अगर मैंने जानते होंगे एडिट्स इशू बगल में सो रहा होगा, ठीक है, ये मेरा ओल्ड आईडी। एंड गाइस मैंने न्यू आईडी बनाई, ठीक है, तो बनाया गाइस मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, देखिए बगल में, तो गाइस मैंने यहाँ पर मतलब रेगुलर पोस्ट कर रहा हूँ इस अकाउंट को, गाइस अभी मेरे सिर्फ 4 से 5 दिन हुए हैं, ठीक है, मतलब इस अकाउंट को मेरे हो गए हैं, मेरा फर्स्ट वीडियो कब आया था, 6 दिन हुए, ठीक है, मेरे गाइस देखिए इस अकाउंट को मेरे 6 दिन हुए हैं, ठीक है, एंड मैंने 6 दिन में 150 फॉलोअर्स कर लिए हैं, तब भी मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ उस अकाउंट पर। दिखाता हूँ आपको गाइस मैंने क्या किया था स्टार्टिंग डेज पर, मतलब जब मैंने मतलब स्टार्ट ही किया था, तो देखिए जैसे मेरे नीचे के वीडियो देख रहे 412 व्यूज़ गए हैं, देखिए गाइस इस वीडियो में गया देखिए 3272 व्यूज़, देख सकते हैं गाइस आप। तो मैंने गाइस ऐसे ही किया जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने वीडियो बताया गाइस मैंने ऐसे किया था। एंड गाइस आप भी मतलब समझ सकते हैं गाइस 6 दिन में अगर मैंने 150 फॉलोअर्स गेन कर लिए तो गाइस मैं आगे चले कितना फॉलोअर्स गेन कर सकता हूँ, कैसे टिप्स कर सकता हूँ। तो गाइस आपको ऐसे टिप्स एंड टिप्स के लिए गाइस चैनल सब्सक्राइब कर लेना है एंड गाइस इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप डीएम पर पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर आपका रिप्लाई दे दूँगा। तो गाइस यही था आज के कुछ टिप्स, तो गाइस अगर टिप्स आपको पसंद आए वीडियो पे एक लाइक जरूर करेगा एंड गाइस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय।